हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज है नवरात्र का छठा दिन माँ कात्यायनी देवी का। तो अभी तो हमने टीका लगा लिया है नहा धो के, और अब हम जा रहे हैं जंगल। तो गाइस, अब आपको मिलती हूँ मैं सीधे जंगल में। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर कैसा लग रहा, मतलब हरियाली पूरी ऊपर आ गई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस, हरियाली होने लगी है, मतलब हो चुकी है, देख सकते हैं आप। आज हम जा रहे हैं पुल साइड, और गंगा नदी का पानी आज काफी मटमैला हो रखा है। तो गाइस, आज हम इस साइड आ रखे हैं। ये है हमारा घर, ये है ताई जी का घर। तो आज हम इस साइड पर आ रखे हैं, और यहाँ पे बकरियाँ घास खा रही है। तो गाइस, अब चलेंगे हम घर थोड़ी देर में, 12 तो बजने वाले हैं, उसके बाद हम घर जाएंगे। ये है गिलोय, ये देखिए, जिससे कि मतलब काफ़ी दवाइयाँ बनती है, इतना मोटा है ये। और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं पिंडालू। तो गाइस, इतना हमने अरबी निकाल लिया है, हम इसको पिंडालू बोलते हैं। और जो ये पत्ता है, ये वाटरप्रूफ पत्ता है, तो मैं आपको उसकी भी सच्चाई बता देती हूँ क्यों मानते हैं इसको, इसलिए इसको हम वाटरप्रूफ पत्ता भी कहते हैं। तो मम्मी यहाँ पे सफाई कर रही है अभी पिंडालू की, तब तक मैं चाकू लेके आ जाती हूँ। हमने अरबी काट लिया है, अब हम इसको बनाते हैं। तो गाइस, जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो शायद नवरात्र ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो अभी अपलोड नहीं हो रही है। तो भले मैंने सब कुछ मतलब एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर रखी है, लेकिन अपलोड ही नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं अब सीधे ऋषिकेश जाके अपलोड करूँगी सारी वीडियो को। तो शायद तब तक नवरात्र ख़त्म भी हो जाएंगे, बट मैं अपलोड कर दूँगी।